हम दुनिया जहाँ की खुशबूदार अतर लगा कर भी अपने बदबूदार किरदारों की बू नहीं मिटा सकते। किरदार महकना जिस्म महकने से बेहतर है। क्या ये काफ़ी नहीं कि अल्लाह खुद कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है मेरा बंदा मुझसे बातें करे। कोशिश करें जहाँ रहें वहाँ अच्छा किरदार, अच्छा इखलाक और खूबसूरत यादें छोड़ जाएं। लोगों की खिदमत करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि आप तो चले जाएंगे मगर आपका किरदार, आपका इखलाक, आपकी खूबसूरत यादें बाकी रह जाएंगी। ताल्लुक भी रिज़्क होता है, बदनीयती आ जाए तो बरकत उठ जाती है। हमारी दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़ुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ़ कम हो जाएंगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। कम तरीन इल्म वो है जो ज़ुबान पर रहे और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से जाहिर हो। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह की मदद हमेशा साथ पाओगे। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसको खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसको पाने का तुमने कभी सोचा भी ना होगा। आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। ज़िंदगी के मकासद में अव्वलीन मकसद अल्लाह ताला की बनाई गई हदूद में रहकर खुशियों की तलाश होना चाहिए। कुछ शक नहीं कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती पाकीज़गी में ही है। जब अल्लाह देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो। मेरी तमन्नाओं को पूरा फरमा, मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और उस दिन सब मोहब्बतें झूठी लगेंगी जब सुनोगे या रब्बी उम्मती उम्मती। अल्लाह तो करीब ही होता है, दूर तो हम चले जाते हैं। लोगों का छोड़ा हुआ हाथ अल्लाह थाम लेता है।